नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जीवनदीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में वितरित हुआ टैबलेट व स्मार्टफोन। वहां पर अध्ययनरत 78 छात्राओं को मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष ने अपने हाथों से वितरित किया टैबलेट व स्मार्टफोन। जीवनदीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में मंगलवार शासन से प्रातः निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने अपने हाथों से 78 छात्राओं में निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किया। इस अवसर पर जीवनदीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में अध्ययनरत 40 ANM व 38 GNM छात्राओं में टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण किया गया। टेक्निकल व डिप्लोमा में अध्ययनरत गरीब छात्र छात्राओं को उनकी शिक्षा में सहयोग के लिए निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यह योजना अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए काफी सहायक साबित होगी, जो उनके आगे की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेगा। जीवनदीप इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के प्रबंधक डॉक्टर AK गुप्ता ने सरकार की इस योजना की तारीफ की। इस मौके पर डॉक्टर शालिनी गुप्ता, उमा शंकर पाल मुन्ना, राजीव सिंह, राकेश यादव व रविंद्र यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रिंसिपल N. रीना के ने किया। अंत में संस्थान के प्रबंधक डॉक्टर AK गुप्ता ने सभी का आभार जताया। भदोही आबिदुल्ला हासरी की रिपोर्ट। चेयरमैन डॉक्टर विद्यालय आज बड़े ही आभार आज का दिन है कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए, उनके टेक्निकल एजुकेशन के लिए सहायता के लिए जो टैब और मोबाइल देने की जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसके तहत हमारे विद्यालय के ANM फाइनल और GNM फाइनल ईयर के बच्चों को आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आने के लिए मैं अपने नगर अध्यक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और इस योजना को सफल बनाए गए। जिस मंशा से इस कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ाया है, उस चीज की उस मंशा को पूरी करके इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें।